स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे विल्सन क्लाउड चैम्बर। तो स्टूडेंट्स ये विल्सन क्लाउड चैम्बर एक रेडिएशन डिटेक्टर है, ठीक है। तो अब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये कैसा रेडिएशन डिटेक्टर होता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हम डिस्कस करते आए हैं कुछ लेक्चर्स में रेडियो एक्टिविटी को, कि रेडियो एक्टिविटी हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। रेडियो एक्टिव को मैं यहाँ पे आर ए से शो कर रही हूँ। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अपने आप को स्टेबल एलिमेंट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। स्टेबल एलिमेंट्स में अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए वो कुछ रेडिएशंस को एमिट आउट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं शो कर देती हूँ, वो रेडिएशंस को एमिट आउट करते हैं जिसको मैं आर ए डी से डिनोट कर रही हूँ, रेडिएशंस को। तो स्टूडेंट्स ये जो रेडिएशंस एमिट आउट होती हैं वो एक किस्म की नहीं होती, बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, और वो भी हम कुछ लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि वो किन टाइप्स की होती हैं। उन्हें कहा जाता है अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशंस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब प्रॉब्लम ये आ जाता है कि ये जो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की रेडिएशंस हैं इनको डिस्टिंग्विश कैसे किया जाए, ठीक है। कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास जो रेडिएशंस आ रही हैं वो अल्फा रेडिएशंस हैं या बीटा रेडिएशंस हैं या गैमा रेडिएशंस हैं। तो उनके लिए मुख्तलिफ टाइप के डिटेक्टर्स जो हैं वो बनाए गए। तो उन्हीं में से एक डिटेक्टर विल्सन क्लाउड चैम्बर कहलाता है, और जो विल्सन क्लाउड चैम्बर है ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट सी टी आर विल्सन, ठीक है, एक ब्रिटिश ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे सी टी आर विल्सन, उन्होंने इसको क्रिएट किया था, ठीक है। उन्होंने विल्सन क्लाउड चैम्बर बनाया था 1911 में, और उसमें रेडिएशंस की इस खसूसियत को इस्तेमाल किया गया था कि हमारे पास जो अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेज हैं कि वो किसी मटेरियल्स में से जब गुजरती हैं तो उस मटेरियल के एटम्स को आयनाइज करती हैं, ठीक है। अब जब वो आयनाइज करती हैं एटम्स को तो इनकी जो आयनाइजिंग पावर है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि उनके जो आयनाइजेशन की पावर है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो इसी डिफरेंस को इस्तेमाल किया जाता है इस विल्सन क्लाउड चैम्बर में, जहाँ पे ये जो रेडिएशंस पास होती हैं इस विल्सन क्लाउड चैम्बर में से, तो जिस तरह से वो आयनाइज करती हैं एटम्स को, उसी आयनाइजेशन को देखते हुए पता चलाया जाता है कि हमारे पास कौन सी रेज हैं, अल्फा रेज हैं, बीटा रेज हैं या गैमा रेज हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर है उसे मैं यहाँ पे डब्ल्यू सी सी से डिनोट कर रही हूँ, ठीक है। विल्सन क्लाउड चैम्बर जो है ये किस तरह से इन रेडिएशंस को डिस्टिंग्विश करता है, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है टू मेक the path of to make the path of ionizing particles particles को मैं यहाँ पे पी ए आर से लिख रहा हूँ, ठीक है, ionizing particles visible, ठीक है। यानी कि जब ये आयनाइज करते हैं एक मटेरियल के एटम्स को तो तब उनका जो पाथ बन रहा होता है इन रेडिएशंस का उसको विजिबल करती है ये डिवाइस, ठीक है। ये जो हमारे पास सेटअप है विल्सन क्लाउड चैम्बर का, इसके अंदर उस आयनाइजेशन का पाथ जो है वो विजिबल होता है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे पास कौन सी टाइप की रेडिएशंस हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है, जो हम यहाँ पे लिखते हैं कि सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस मोर इजीली ऑन डस्ट, ठीक है, ऑन डस्ट या फिर आयन पार्टिकल्स, ठीक है, आयन पार्टिकल्स। और फिर वही जो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड वेपर्स जब इन डस्ट पार्टिकल्स या आइंस पे कंडेंस होते हैं तो वो शाइन करवाए जाते हैं इस विल्सन क्लाउड चैम्बर में थ्रू लाइट, ठीक है। तो सुनिए यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं इनसे क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स सुपर सैचुरेटेड वेपर से मुराद ये है कि जब हमारे पास एयर में किसी मटेरियल के वेपर्स बहुत ज़्यादा हो जाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी तादाद हो जाए, यानी कि उससे ज़्यादा वेपर्स उसके अंदर इंक्लूड ना किए जा सकें तो उसे कहा जाता है सुपर सैचुरेटेड वेपर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास प्रिंसिपल लिखा हुआ है कि सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस मोर इजिली ऑन डस्ट और आयन पार्टिकल्स, ठीक है, तो वो जब हम डिस्कस करेंगे विल्सन क्लाउड चैम्बर को तो तब इस प्रिंसिपल को आपको डिटेल से मैं समझाऊंगी ताकि उस वक्त हमारा जो कॉन्सेप्ट है मज़ीद क्लियर हो सके। तो स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास विल्सन क्लाउड चैम्बर होता है इसकी
कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, ठीक है, इसको कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे विल्सन क्लाउड चैम्बर मौजूद है, ठीक है। तो सुनिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्लास चैम्बर मौजूद है जिसके ऊपर एक ग्लास विंडो है, ठीक है, और इसी के नीचे यानी कि इस ग्लास चैम्बर के नीचे यहाँ पे एक मूवेबल पिस्टन मौजूद है, ठीक है, और उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास दो रास्ते मौजूद हैं। एक रास्ते में से हमारे पास रेडिएशंस आएंगी, ठीक है, यानी कि रेडिएशंस जो के होंगी अल्फा बीटा या गैमा रेज, और दूसरी तरफ से हमारे पास लाइट के लिए रास्ता मौजूद है, यानी कि वो लाइट है जिसकी मदद से हम आयनाइजिंग पार्टिकल्स का जो पाथ है वो इल्यूमिनेट करेंगे यानी रोशन करेंगे ताकि हमें वो पाथ विजिबल हो सके। तो सुनिए, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई किया हुआ है जो कि अप्रॉक्सीमेटली है 1 kW का, ठीक है, 1 kV का यहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है, और यहाँ पे हमारे पास वैक्यूम क्रिएट करने के लिए भी रास्ता मौजूद है, यानी कि जब ये पिस्टन हम मूव करेंगे तो उसकी वजह से जब हमारे पास डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होंगे वो इस वैक्यूम के थ्रू रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसी के अंदर यहाँ पे इस ग्लास चैम्बर में अल्कोहल को रखा जाता है, ठीक है। अब अल्कोहल को कैसे रखा जाता है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अल्कोहल को एक खास फेल्ट पैड के अंदर एब्जॉर्ब करके उस फेल्ट पैड को यहाँ पे रखा जाता है। सुनो, जो फेल्ट पैड है एक खास फोम सा स्ट्रक्चर होता है जिसको इस तरह के डिवाइसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर अल्कोहल को एब्जॉर्ब करवा के इस पिस्टन के ऊपर रखा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है सुनो, कि जब हमने ये अल्कोहल का ये फेल्ट पैड इस ग्लास चैम्बर में रखा तो जो इस चैम्बर के अंदर मौजूद एयर है, ठीक है, एयर जो है वो सेचूरेट हो जाती है अल्कोहल से, ठीक है, सेचूरेटेड विद अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के साथ वो सेचूरेटेड हो जाती है, यानी कि जो अल्कोहल के वेपर्स हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, एकदम से इस पिस्टन को मूव किया जाता है कि हमारे पास रैपिड यानी कि अचानक एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन एक्सपेंशन होती है, जिससे मुराद ये है कि एडियाबेटिक का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स के हमारे पास कोई ऐसा प्रोसेस हो जिसके अंदर ना ही हीट एंटर हो, ठीक है, ना ही हीट एंटर हो और ना ही हीट रिलीज हो, ठीक है, ना ही हीट रिलीज हो, या फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लीव भी ना करे, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को एडियाबेटिक कहते हैं, और जो यहाँ पे हमारे पास प्रोसेस हो रहा है वो रैपिड एडियाबेटिक एक्सपेंशन है, ठीक है, यानी कि जब हम इस पिस्टन को एकदम से मूव करेंगे, ठीक है, तो इसकी वजह से हमारे पास एयर रिमूव होगी, ठीक है, और साथ ही क्या होगा कि हमारे पास जो ये चैम्बर है इसमें जो मौजूद हमारे पास अल्कोहल वेपर्स हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास एक सेचुरेटेड फॉर्म है यानी कि अल्कोहल के जो वेपर्स हैं वो एयर में सेचुरेट हुए हुए हैं, ठीक है, उनका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पे जो मौजूद ग्लास चैम्बर है इसके अंदर प्रेशर जो है वो बहुत डिक्रीज हो जाएगा और साथ ही जो टेम्परेचर है वो भी बहुत डिक्रीज हो जाएगा। तो सुनिश्चित यहाँ पे जो हमारे पास जो टेम्परेचर है जो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है इस पिस्टन के मूव करने की वजह से और साथ ही जो प्रेशर है वो भी बहुत कम हो जाता है, ठीक है, इस चैम्बर के अंदर, उसकी वजह से हमारे पास सुपर सेचूरेटेड वेपर जो हैं वो वजूद में आते हैं, ठीक है, सुपर सेचूरेटेड वेपर्स, ठीक है, सुपर सेचूरेटेड वेपर्स। तो सुपर सेचूरेटेड वेपर्स से स्टूडेंट्स ये मुराद है कि हमारे पास अब एयर के अंदर अल्कोहल के वेपर्स की क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इससे ज़्यादा वेपर्स जो हैं वो इंक्लूड नहीं किए जा सकते, या फिर दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारे पास नॉर्मल कंडीशंस थी, ठीक है, उस वक्त जो हमारे पास वेपर्स थे अल्कोहल के एयर के अंदर उसके मुकाबले में अब जब हमने ये कंडीशंस पैदा की जिसमें हमारे पास टेम्परेचर बहुत कम है और प्रेशर भी बहुत कम है, इन कंडीशंस में हमारे पास उन नॉर्मल कंडीशंस के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वेपर्स जो हैं अल्कोहल के वो एयर के अंदर सेचूरेट हो गए हैं, तो इस कंडीशन को कहा जाता है सुपर सेचूरेटेड वेपर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सुपर सेचूरेटेड वेपर्स हैं ये एक फॉग सी बना देते हैं, धुंध सी बना देते हैं, ठीक है, और वो जो हमारे पास फॉग सी बनती है इनकी वो क्लोज टू कंडेंसेशन होती है, ठीक है, क्लोज टू कंडेंसेशन, ठीक है,
कंडेंसेशन से मुराद ये होता है स्टूडेंट्स के जब हमारे पास जो वेपर्स हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएं, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं ये अभी हमारे पास कंडेंसेशन के करीब हैं, यानी कि कंडेंस नहीं हो रहे बल्कि कंडेंसेशन के करीब हैं। और ये कंडेंस कब होंगे, कि ये कंडेंस होंगे विल कंडेंस ऑन डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, कि कोई डस्ट पार्टिकल्स हो तो उनके ऊपर ये एक तरह से चिपक जाएंगे, या फिर यहाँ पे अगर आयंस मौजूद हो तो उन आयंस के ऊपर भी ये चिमट जाएंगे और उसकी वजह से हमारे पास ड्रॉप्स बनेंगे। तो सुनिए, ये जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो सुपर सैचुरेटेड वेपर्स हैं वो क्लोज हैं कंडेंसेशन के, और वो डस्ट पार्टिकल्स या आयंस के ऊपर कंडेंस होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रिंसिपल को यूज करते हुए विल्सन क्लाउड चैम्बर वर्क करता है, और यही प्रिंसिपल हमने पहले स्टडी किया था। जैसे कि मैं आपको ऊपर दिखा दूं कि मैंने आपको कहा था कि प्रिंसिपल जो है सुपर सैचुरेटेड वेपर्स कंडेंस मोर इजिली ऑन डस्ट और आयन। ठीक है, तो यही प्रिंसिपल अभी मैंने आपको समझाया है। तो इन्हीं सुपर सैचुरेटेड वेपर्स को जब वो कंडेंस कर जाते हैं आयंस के ऊपर, उनको रोशन किया जाता है लाइट की मदद से, और फिर हम पाथ देखते हैं और उन पाथ की वजह से डिस्टिंग्विश करते हैं अल्फा बीटा और गैमा पार्टिकल्स को। तो स्टूडेंट्स, इससे फर्दर जो विल्सन क्लाउड चैम्बर की वर्किंग है वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको लेक्चर यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा।